यूटीवी नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स माइनर लड़की का किडनैप और रेप करने के अलावा उस लड़की को जबरदस्ती जिस्म फरोशी का कारोबार करने पर किया मजबूर। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के रहने वाले दो दलाल हफीज और समी ने एक मासूम लड़की का फिश बिल्डिंग के पास से किया किडनैप और उस माइनर लड़की के साथ किया 15 दिनों तक रेप। उसके बाद उस लड़की को सना और आशा नाम वाली औरतों के जरिए जिस्म फरोशी का कारोबार करवा रहे थे। पुलिस ने हराम खाने वाली आशा और सना को गिरफ्तार किया। हफीज और समीर है लापता। आइए नाज़रीन देखें यह रिपोर्ट। यूटीवी नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1/12/2021 came to PS and lodged a complaint. Her younger daughter is missing from her house. On basing on that, the case has been registered. During the course of investigation, on 31/12/21, the victim sent an Instagram to his younger sister. Basing on that, police and our younger sister go to the spot and apprehended the risk the victim, brought to the PS and recorded the statement. On the record of the statement, basing on that, the section has been altered. During the course of investigation, I watched the police to apprehend the accused. Yesterday, police went to the spot and apprehended the two ladies and is brought to the police station. Our case man, the male accused of absconding Samir and Hafiz. Ono aane ke baad aur kon case mein involvement hai unka कस्टडी लिए तो पूरा मालूम होता। उनको पहले वो बच्ची बहादुरपुर से फिजा फिश बिल्डिंग गया, वहां से थोड़ा बच्चा उनको पीछे पीछे पकड़े तो दूसरा उधर बाजू ऑटो वाला आए तो वो समीर ऑटो है हफीज है वो दोनों को मिले, लेकिन उधर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे वहां से वो समीर हफीज बच्ची को लेके उनको घर को लेके गया। वहाँ वो दोनों लेडीज को अचानक करे वहां मिले थोड़ा दिन इधर अतापुर राजनगर लिमिट पे है उनका जो मकान, वहां से शिफ्ट करे महिला देवों का लेके वहां से पुलिस वाला लाके उनको रिस्क करके पुलिस स्टेशन पर लाके उनमें केस रिस्क करे उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करते दोनों। उनको अब तक रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, वह वेरीफाई करते वो दूसरा पीएस में है वो ऐसा लोग का पूरा डिटेल देके वेरीफाई कर। सर अभी कितने लोग अरेस्ट हुए? अब तक दो लेडीज का अरेस्ट है वो आज कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। वो दो अफसरानी गए ऑफिशियली उनका नाम उनको कब वो मेल को अटेंड करे तो कौन कौन है तो उनको मालूम होता उन्होंने।